हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विपिन, स्किल इंडिया ट्रेनर. आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरपीएल की इन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग पार्ट वन में आपका स्वागत करता हूं. अब सीखना शुरू करते हैं इन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग के अंदर आपके क्या सब कुछ बना है. देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है इन्यूमरेटर वाले प्रोग्राम के अंदर, दैट इज अबाउट डेटा. डेटा जो होता है वो क्या होता है? इन्यूमरेटर्स का काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, और इन्यूमरेटर्स का ही काम होता है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना. तो अब जरा स्टार्ट करते हैं. ये स्लाइड्स में आपके साथ में शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी ग्रुप पे. देखिए, इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटा कलेक्शन. इंट्रोडक्शन टू डेटा एंड डेटा कलेक्शन. अब इसमें समझते हैं एक पॉइंट छोटा सा कि डेटा क्या होता है. एनी फैक्ट और स्टैटिस्टिक कलेक्टेड फॉर इंफॉर्मेशन रेफरेंस और एनालिसिस इज कॉल्ड एज डेटा. व्हाट इज डिफाइंड एज डेटा डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग द डेटा. डेटा का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उसको कलेक्ट करने के बेस पे. इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, अगर आपको एक टास्क मिला है बैंक के लिए डेटा कलेक्शन का, आप बैंक में जाके कलेक्शन डेस्क पे बैठते हैं और कोई भी कैंडिडेट आपके सामने आता है जो अपना बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहता है, तो उसका कुछ डेटा आपने इकट्ठा करना है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपने कलेक्ट करने हैं. डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए. जैसे बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है एड्रेस प्रूफ की, राइट? तो एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है वो वैलिड डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा करना है. लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेने से अलग भी आपको उसकी काफी सारी जानकारी, काफी सारी डिटेल्स लेनी होती है. जैसे आप उसका नाम भी पूछेंगे, आप उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछेंगे, आप नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहता है अपने अकाउंट में, उसकी डिटेल भी लेंगे. जबकि नॉमिनी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती. तो जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो भी डिटेल आप उस व्यक्ति से ले रहे हैं, वो सब कुछ एक डेटा है, क्योंकि वो आपने कलेक्ट करना है, राइट? डॉक्यूमेंट्स एट द अदर हैंड, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट वो वैलिड आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ के लिए रिक्वायर्ड पेपर्स होते हैं जो ये सत्यापित करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि जो कैंडिडेट अपने एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट जमा करा रहा है उसका एड्रेस वही है, उसकी आइडेंटिटी वही है, राइट? तो डेटा का मतलब क्या है? आपने जो इकट्ठा किया है, आपने जो कलेक्ट किया है किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट किया गया है फॉर एनालिसिस पर्पस, फॉर रेफरेंसेस, फॉर टू जनरेट सम काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ आपका डेटा होता है. एग्जांपल के लिए आपने ये पता लगाना है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग मार्केट में कितने हैं, राइट? कोई भी एक्स प्रोडक्ट आप ले लीजिए और आपने ये सर्वे करना है, ये डेटा कलेक्ट आपने करना है कि उसको यूज करने वाले जो मार्केट में लोग हैं वो लोग कितने हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप एक सर्वे कंडक्ट करेंगे, आप हर एक व्यक्ति से जानकारी लेंगे कि आप क्या ये आप प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आप उनसे क्या इकट्ठा कर रहे हैं, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आप उनसे डाटा क्योंकि ये जो डेटा है इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन करने की नीड नहीं है. आप उनके घर में जाके चेक नहीं करेंगे वास्तव में कि क्या वो लोग वास्तव में वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या बस उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है. आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो एग्जिट पोल के जो है नतीजे आने शुरू हो जाते हैं, और जो कुछ लीडर्स होते हैं वो पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि इस बार तो पूरे बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, राइट? तो वो लोग ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? थ्रू द सर्वेस. वो ये सब इन्फॉर्मेशन सर्वे से निकालते हैं. सर्वे का मतलब डेटा को कलेक्ट करना. तो किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये इकट्ठा करना कि उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग मार्केट में कितने, कितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग कितने, नंबर्स ऑफ पीपल आर देयर दोस आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? आपका डेटा यूनिट क्या है? वो प्रोडक्ट इटसेल्फ, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. और आपका डेटा क्या है? आपका डेटा वो आएगा जो कलेक्शन करके आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो पूरा डेटा आप इकट्ठा करेंगे कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले मार्केट के अंदर है, राइट? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने डेटा का आपके सामने लिया कि डेटा क्या होता है. अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा की हम बात करते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा की, डेटा का टाइप किसी एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. डेटा का टाइप उसके नेचर के बेस पे अलग होता है, मोड्स ऑफ कलेक्शन के बेस पे अलग होता है. तो पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ डेटा के बेस पे, डेटा कितने टाइप का होता है. देखिए, अगर डेटा की नेचर की बात करते हैं, डेटा की प्रकृति की बात करते हैं कि कितने टाइप का डेटा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेटा, तो डेटा होता है आपका दो टाइप का. एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा. अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, तो हर एक टाइप का वो डेटा जिसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है,
या जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो डेटा आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है। जैसे किसी की एज कितनी है, किसी के पास कितनी गाड़ियां है, किसी की इनकम कितनी है, किसी के बच्चे कितने हैं, ये सारा का सारा डेटा क्वांटिटेटिव है क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है, इसको काउंट किया जा सकता है। तो ऐसे डेटा को आप क्वांटिटेटिव डेटा की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, राइट। अब दूसरा जो पॉइंट होता है, इट इज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा किसको बोलते हैं? देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटेटिव डेटा, इट इज समवॉट रिलेटेड टू द क्वालिटी, रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज, द एट्रीब्यूट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर में वैल्यूज नहीं आएगी, यहाँ पे काउंट या मेजर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज देखनी होती है। क्वालिटेटिव डेटा का कुछ एग्जांपल, कोई व्यक्ति रहता कहाँ पे है, वो दिल्ली में रहता है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। किसी को कोई डिजीज है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, राइट। ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। कोई क्या जॉब करता है, कोई मार्केटिंग में जॉब करता है, कोई रिटेल में जॉब करता है, कोई इन्यूमरेटर है, कोई डेटा कलेक्शन की जॉब करता है, कोई बैंक एम्प्लॉय है, ये चीजें मेजर नहीं की जा सकती, इन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता, ये क्वालिटेटिव डेटा होता है, राइट। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो टाइप के डेटा आपके पास होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, राइट। डेटा की नेचर के बेस पे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो टाइप के डेटा होता है, एक आपका क्वांटिटेटिव डेटा और एक आपका क्वालिटेटिव डेटा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ डेटा को कंटिन्यू करते हुए अगला जो पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन, वो था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, एंड नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के हिसाब से, डेटा को कलेक्ट करने के तरीके के हिसाब से डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। अगेन फिर से दो पार्ट आपके पास आ गए डेटा को कलेक्ट करने के तरीके के बेस पे, ठीक है। एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की, सो प्राइमरी डेटा वो डेटा है दैट यू आर कलेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, राइट। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो डायरेक्टली आप सोर्स से इकट्ठा करते हैं, जो डायरेक्टली सोर्स से लेते हैं। आपको मेरे बारे में कोई डेटा इकट्ठा करना है, मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, और आप डायरेक्टली मुझसे आके बात करते हैं, डायरेक्टली मुझसे उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ये प्राइमरी डेटा है डेफिनेटली, इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो वस्तु जहां, जिसके बारे में आपने डिटेल इकट्ठी करनी होती है, राइट। तो वस्तु तो अपने बारे में डिटेल आपको कैसे दे सकते हैं, अगर मैंने बोला आपसे कि एक प्रोडक्ट है इसके बारे में डिटेल आप इकट्ठी कीजिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कोई व्यक्ति होंगे, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले कोई व्यक्ति होंगे, वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो जब आप किसी भी बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जब सोर्स से आप डायरेक्टली जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा होता है। और जब जानकारी या डेटा आप सोर्स से इकट्ठा ना करके किसी थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू इकट्ठा करते हैं, जैसे इंटरनेट के थ्रू कोई चीज ढूंढना, बुक्स में किसी चीज को पढ़ना, राइट, किसी पब्लिश्ड रिपोर्ट के अंदर से उसको लेना, इधर उधर से डेटा को इकट्ठा करना, इधर उधर से डेटा को इकट्ठा करना, मतलब सोर्स से डेटा को ना लेना, सेकेंड हैंड सोर्स से डेटा को लेना। सेकेंड हैंड सोर्स का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल सोर्सेज, जो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज है, मतलब इधर उधर के सोर्सेज, डायरेक्टली सोर्स से, डायरेक्टली उस व्यक्ति से डेटा को ना लेना, राइट, वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको मेरे बारे में कोई डिटेल चाहिए, मेरे बारे में कोई जानकारी आप चाहते हैं, और वो जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे पूछते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ के इकट्ठी करते हैं, वो डाटा आप मुझसे पूछ के कलेक्ट कर रहे हैं, ये प्राइमरी डेटा है। लेकिन आप कोई डेटा इकट्ठा कर रहे हैं जो डाटा मुझसे नहीं पूछ रहे, आपने क्या सोचा, अच्छा इन सर का नाम ये है, चलो गूगल पे ढूंढ के देखते हैं, इनका फेसबुक अकाउंट ढूंढ के देखते हैं, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, ट्विटर अकाउंट ढूंढ के देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप कर रहे हैं डाटा को थर्ड पार्टी सोर्स से इकट्ठा, डायरेक्टली सोर्स से नहीं पूछा जा रहा है, आप इधर उधर से डाटा को इकट्ठा करके चल रहे हैं, ये डेटा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई है, राइट। सो डेटा के एक आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेटा, और एक आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा की नेचर के बेस पे डेटा दो टाइप का आपका हुआ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और डेटा को इकट्ठा करने के हिसाब से डेटा दो तरीके का आपका हुआ, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो उधर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा क्या था? क्वांटिटेटिव डेटा वो था जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको काउंट किया जा सकता है, और क्वालिटेटिव डेटा वो है जो प्रॉपर्टीज से, एट्रीब्यूट से, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, राइट। और डाटा को कलेक्ट करने के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो डाटा फिर से दो तरीके का है, एक आपका प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जिसको आप डायरेक्टली सोर्स से इकट्ठा करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जिसको आप सेकेंड हैंड सोर्स से इकट्ठा कर रहे हैं, आप
डायरेक्टली कैंडिडेट से पूछ के उसका डाटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट से, बुक से, पब्लिश रिपोर्ट से, इधर उधर से, आस पड़ोस से, वो डिटेल आप उसकी इकट्ठे कर रहे हैं, जिस डाटा को आप सेकेंडरी डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डाटा वाला पॉइंट हमने इस वाले सेशन के अंदर डिस्कस किया। अगले सेशन में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी सी वीडियोस के थ्रू सारी की सारी चीजें हम जो है कवर कर लेंगे। डेफिनेटली यू कैन गेट सो मेनी कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर यूजिंग दीज पर्टिकुलर वीडियोस। सो अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सब अपना अपना ध्यान रखें।